तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 आपसे यही अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। आपसे यही अपील करता है न्यूज़ 18 की मास्क जरूर पहने, क्योंकि इस वक्त सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण में 18 से 44 साल तक के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे और अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से कई राज्यों में 18 से 44 साल के लोगों को इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ राज्यों ने वैक्सीन नहीं मिलने की बात कहकर अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ ही जिलों में टीकाकरण होगा। योगी सरकार ने इस चरण में सिर्फ 19 शहरों में वैक्सीनेशन का फैसला किया है, जहां 9000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में ही लोगों को वैक्सीन लगवाई जाएगी, तो वहीं गुजरात के 10 जिलों में ही 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, कच्छ, भरूच, गांधीनगर और महेसाणा में ही वैक्सीनेशन होगा, जबकि छत्तीसगढ़ में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को आज से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। बात करें राजस्थान की, तो वहाँ कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। कुछ राज्यों में 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान आज से शुरू नहीं हो रहा, लेकिन राहत की बात यह है कि देश के कुछ अस्पताल आज से वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, जिनमें अपोलो अस्पताल ग्रुप भी शामिल है। अपोलो अस्पताल ग्रुप ने बयान में कहा है कि देश में कोरोना के खतरे को कम करने के लिए अपोलो अस्पताल ने सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीदने की पहल की है और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही वैक्सीन की कीमत तय होगी। अपोलो अस्पताल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कोरोना की दूसरी लहर ने कम उम्र के लोगों को प्रभावित किया है, ऐसे में 18 साल की उम्र से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन लगातार बढ़ रहे मामलों को रोकने में मदद करेगा। इस बीच कई राज्यों ने वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू करने से इनकार कर दिया है और इसके लिए राज्यों ने वैक्सीन नहीं मिलने की दलील दी है। दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में आज से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाएगी, क्योंकि इन राज्यों ने वैक्सीन नहीं मिलने की बात कहकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए लोगों से अपील की कि 18 साल से ऊपर के लोग वैक्सीनेशन की लाइन में ना लगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन मिलते ही तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू किया जाएगा, तो वहीं गोवा के सीएम ने भी वैक्सीन ना मिलने की बात कहकर आज से टीकाकरण अभियान शुरू करने से इनकार कर दिया। अबाउट 45 एज के लिए जो वैक्सीनेशन कैंप हमारे पीएचसी लेवल पे स्टार्ट है, वहाँ पे वैक्सीनेशन सभी लोगों ने लेना चाहिए। फ्रॉम 18 to 45 इन लोगों के लिए, इन यूथ के लिए अभी वैक्सीनेशन आया नहीं है। जैसे ही वैक्सीनेशन हमारे पास आएगा हम उनका अनाउंसमेंट करेंगे, बाद में उन्हें रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करें। पूरी तैयारियां हैं, जैसे ही वैक्सीन आ जाती है हम काम शुरू कर देंगे। ये जो मरीज बढ़ रहे हैं, इनमें 70% से ज़्यादा मरीज दिल्ली या आसपास के राज्यों के हैं। हमने एक टेंटेटिव सर्वे भी करवाया है, परंतु कोई भी आ जाए, हम तो हैं तो हिंदुस्तान के ना, हम तो सबको इलाज कर रहे हैं और अपनी व्यवस्थाएं और बढ़ा रहे हैं। लगातार कोरोना के महासंकट से जूझ रहे एमपी में भी वैक्सीन की किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी। इस बात की जानकारी खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी और बताया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बुकिंग पहले से कर ली थी, लेकिन वैक्सीन की डोज उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से राज्य तक वैक्सीन नहीं पहुँची है, लिहाजा आज से अभियान शुरू नहीं हो सकेगा। हालांकि उन्होंने वैक्सीन लगाने के अभियान को जारी रखने और सभी को फ्री वैक्सीन लगवाने का भरोसा दिया। हम जानते हैं कि उत्पादन की भी एक सीमा है, जैसे जैसे उत्पादन होगा
और हमें वैक्सीन के डोजेज मिलेंगे, वैसे वैसे हम 18 साल से ऊपर के जो हमारे नौजवान हैं उनको निःशुल्क वैक्सीन लगाने का अभियान चलाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक दिन पहले खत्म हुए पंचायत चुनाव में हुई हिंसा से जुड़े कुछ और वीडियो सामने आए। चौथे और अंतिम चरण में 17 जिलों में वोट डाले गए थे, जिनमें हापुड़ भी शामिल था, जहां खबर है कि बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह न होने पर खूब हंगामा बरपा। मतदान केंद्र के बाहर हालात बिगड़ते देख वहां मौजूद पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और हंगामा कर रहे लोगों की जमकर खबर ली। इस दौरान जो भी पुलिस के हत्थे चढ़ा वो उनके डंडों से बच नहीं पाया। जबकि कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने दौड़ाकर उपद्रवियों को पीटा। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां पर जल्द ही हालात काबू में आ गए। ये घटना बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव की बताई गई। हंगामे का एक ऐसा ही वीडियो गाजीपुर जिले से भी सामने आया। बताया गया कि वहां के नसरतपुर गांव के बाहर नेशनल हाईवे पर प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट मतदाताओं को पर्चियां बांट रहे थे, जिसकी वजह से सड़क पर भीड़ जमा हो गई और जब पुलिस ने भीड़ को हटाने की कोशिश की तो लोगों ने पथराव कर दिया। इस घटना में कुछ पुलिस वाले घायल हो गए। यूपी में हुए इन पंचायत चुनावों के वोटों की गिनती रविवार को होनी। झारखंड के पलामू में कोरोना नियमों का पालन करवाने पहुंची पुलिस को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। पुलिस वहां बाजार में रेड़ी लगाकर सामान बेचने वालों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, लेकिन लोगों ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। लोगों के गुस्से के आगे पुलिस को वहां से उल्टे पांव लौटना पड़ा। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर हमले की कोशिश भी की, लेकिन बाकी लोगों ने उन्हें रोक दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की और उनका सामान उठाकर फेंक दिया। सब घुस के मारा पुलिस ने, बताइए देखिए यहाँ। बीच बाजार में बहुत देर तक हंगामा चलता रहा और फिर भीड़ के गुस्से को देखते हुए पुलिस को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी। लाठी चार्ज करने के लिए प्रशासन बोला जा रहा है, कर रहा है कि दुकानदार को मारो एकदम दौड़ा दौड़ा के। बताया गया कि हालात सामान्य होने पर प्रशासन ने इलाके की सभी दुकानों को बंद करवा दिया। इसराइल में एक धार्मिक समारोह में ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ कि त्योहार का जश्न मातम में बदल गया। हर साल कट्टर यहूदी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में अपने एक संत के मकबरे में जुटते हैं, लेकिन इस बार वहां 1,00,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए और फिर ऐसी भगदड़ मची कि करीब 50 लोगों की कुचलकर मौत हो गई। लेकिन काल नाग बनकर सिर पर फन फैलाए बैठा है, इस बात से बेखबर लोग त्योहार के जश्न में डूबे नजर आए। आसमान से ली गई तस्वीरों में मकबरे में जनसैलाब नजर आया। भीड़ ऐसी कि लोग एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर खड़े दिखे। उनके बीच तिल रखने तक की जगह नहीं थी, मगर फिर भी वो जी भर कर नाचे। समारोह में जुटी भीड़ की एक और भयानक तस्वीर सामने आई। वीडियो में लोग चलकर नहीं बल्कि पीछे से धक्के खा खा कर आगे बढ़ते दिखे। बताया गया कि इसी धक्का मुक्की में कुछ लोग नीचे गिर गए और फिर मौत ने ऐसा तांडव किया कि वहां लाशें ही लाशें बिछ गईं। लोग मकबरे तक पहुंचे तो थे अपने पैरों पर चलकर, लेकिन वापस गए स्ट्रेचरों पर। यह हादसा इतना बड़ा था कि इजरायल की सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाए गए। मकबरे के पास जहां तक नजर गई एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस नजर आई। हादसा तो लोगों को निगल गया, लेकिन उसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली निशानियां मिट न सकी। मकबरे के पास जगह जगह लोगों के जूते चप्पल, उनके सिर की टोपियां जमीन पर बिखरी नजर आईं। पानी की बोतलें कुचली हुई दिखी। बताया गया कि प्रशासन की तरफ से समारोह में सिर्फ 10,000 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन वहां 1,00,000 से भी ज्यादा लोग पहुंच गए। कोरोना संकट के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को एक संदेश भेजा। इस संदेश में उन्होंने कोरोना संकट पर अपनी संवेदना जताई, साथ ही कोरोना की इस दूसरी लहर से निपटने के लिए मदद की पेशकश भी की। शी जिनपिंग ने अपने संदेश में कहा कि इस महामारी में चीन भारत के साथ है और उसे समर्थन और मदद करने के लिए तैयार है। चीन के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री को फोन कर अपनी सहानुभूति भी जताई। इस बातचीत में दोनों विदेश मंत्रियों के बीच सप्लाई चेन और विमान सेवा जारी रखने पर चर्चा हुई। और कोरोना संकट पर मदद की पेशकश की गई है चीन की तरफ से। आपको बता दें, संकट के इस दौर में चीन ने हर मुमकिन मदद करने की पेशकश की है और ये कहा है कि वो भारत के साथ है और हर तरह से समर्थन
और मदद देने के लिए तैयार है। चीन के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री से फोन पर बात की है और अपनी सहानुभूति भी जताई। इस बातचीत में दोनों विदेश मंत्रियों के बीच सप्लाई चेन और विमान सेवा जारी रखने पर भी चर्चा हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी सीसगंज गुरुद्वारे पहुंचे हैं मत्था टेकने के लिए। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी गुरुद्वारे पहुंचे हैं, सीसगंज गुरुद्वारे पहुंचे हैं मत्था टेकने के लिए। अचानक से प्रधानमंत्री मोदी गुरुद्वारे पहुंचे हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, सीसगंज गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और अचानक से प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे मत्था टेकने के लिए, बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली के सीसगंज गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और अचानक से उनका ये कार्यक्रम बना और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मत्था टेका उन्होंने गुरु तेग बहादुर का जन्म दिवस, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गुरुद्वारे पहुंचे हैं मत्था टेकने के लिए। यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। यतेंद्र, क्या अभी भी प्रधानमंत्री मोदी गुरुद्वारे में मौजूद हैं? देखिए, अभी तो ज्यादा जानकारी पीएमओ की तरफ से नहीं दी जा रही, क्योंकि सिक्योरिटी के रीजन की वजह से इस जो उनकी यात्रा, जो उनका गुरुद्वारे में जाने का जो प्रोग्राम था वो पहले से बताया नहीं गया था। बताया यही जा रहा है कि अचानक प्रधानमंत्री सुबह ही शीशगंज गुरुद्वारे में पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने प्रार्थना की और किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी इंतजाम वहां पर पीएमओ की तरफ से नहीं किए गए थे, क्योंकि बिना किसी जानकारी के ही प्रधानमंत्री अचानक वहां पर पहुंचे हैं। और वहां पर जिस तरह से आम लोग जाते हैं उसी तरह से वो बिना किसी सिक्योरिटी इंतजाम के, बिना किसी स्पेशल अरेंजमेंट के वहां पर गए हैं और उन्होंने आम श्रद्धालुओं की तरह ही वहां पर प्रार्थना की है। अभी तक फिलहाल यही जानकारी पीएमओ की तरफ से दी गई है और जैसे ही बाकी जानकारी आएगी हम न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बताएंगे। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के सीसगंज गुरुद्वारे में पहुंचे हुए हैं और वहां पर उन्होंने मत्था टेका। अचानक से ये प्रोग्राम है और एक साधारण नागरिक की तरह वो वहां पर पहुंचे हैं। आज 400वां प्रकाश पर्व है गुरु तेग बहादुर का और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के सीसगंज गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए पहुंचे। पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आयोजित नगर कीर्तन में कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंच गए, लेकिन किसी ने भी अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया। इतना ही नहीं, वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे के नजदीक खड़े दिखाई दिए, यानी कोरोना से बचने के लिए बनाए गए किसी भी नियम की लोगों ने परवाह नहीं की। बाद में जब बैंड बाजे के साथ पालकी निकाली गई तब तो वहां की तस्वीर और भी डरावनी हो गई। नगर कीर्तन में चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई देने लगे। इस दौरान वहां कुछ पुलिस वाले भी नजर आए, लेकिन उन्होंने भी किसी को कोरोना नियमों की अनदेखी पर नहीं टोका। दिल्ली में कोरोना की वजह से दिन ब दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों को अस्पतालों में बेड और दवाई और ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ रहा है। वहीं 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में रिकॉर्ड कोरोना मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 27,047 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि कोरोना की वजह से 375 लोगों ने दम तोड़ दिया। हालांकि इस दौरान 25,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। राजधानी में अब एक्टिव केस करीब 1,00,000 हैं जिनका इलाज चल रहा है। गुजरात के बनासकांठा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक मैरिज हॉल में बनाए गए कोरोना अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीजों का मनोरंजन किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने हैं। इनमें एक तस्वीर में कोरोना अस्पताल के कुछ डॉक्टर, नर्स और मरीज संगीत की धुन पर गरबा करते दिखे। कोरोना मरीजों की हौसला अफजाई के लिए मंच पर जैसे ही स्वास्थ्य कर्मियों ने थिरकना शुरू किया, बिस्तरों पर लेटे मरीज भी जोश से भर गए। कोरोना को भूलकर वो लोग भी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर डांस करने लगे। कुछ मरीज तो बिस्तर पर बैठे बैठे झूमने लगे। इतना ही नहीं, इस अस्पताल से ठीक होकर जब कुछ मरीज अपने घरों को लौटने लगे तो उन पर फूलों की बारिश की गई। कोरोना से जूझते मरीजों का मनोबल बना रहे इसके लिए अहमदाबाद के एक अस्पताल में भी पहल की गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में पीपीई किट पहने कुछ स्वास्थ्य कर्मी मरीजों के साथ प्रार्थना करते दिखे।
अहमदाबाद के ही एक दूसरे कोरोना अस्पताल में मरीजों को पढ़ने के लिए किताबें बांटी गईं। हरियाणा के सोनीपत में एक दूल्हे को बिना मास्क पहने घोड़ी पर चढ़ना महंगा पड़ गया। बगैर मास्क पहने दूल्हे की बारात की खबर जैसे ही पुलिस को मिली तो वहां पुलिस के कुछ अधिकारी पहुंच गए और उन्होंने बारात को रुकवा दिया। इस दौरान दूल्हा तो घोड़ी पर ही बैठा रहा, लेकिन उसके पिता को बुलाकर पुलिस ने मास्क न पहनने पर दूल्हे का चालान काट दिया। चालान काटने के बाद पुलिस के अधिकारियों ने बाकी लोगों से भी नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान दूल्हे के पिता को भी पुलिस ने हिदायत दी। जब तक चालान काटने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तब तक बारात वहीं पर रुकी रही। बाद में पुलिस ने सभी लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश देते हुए बारात को वहां से जाने दिया। फिल्म राधे का गाना जारी कर दिया गया। सलमान खान की फिल्म राधे का गाना दिल दे दिया जारी कर दिया गया। ये फिल्म ईद के मौके पर डीजीसीए ने विदेशी उड़ानों पर लगी रोक 31 मई तक बढ़ा दी। हालांकि विशेष उड़ान सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई और सभी से टीका लगवाने की अपील भी की। भोपाल में कुछ कारोबारियों ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कोरोना की नई लहर का असर वैष्णो देवी यात्रा पर भी पड़ा है। वहां पर हालात ऐसे हैं कि श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाले कटरा में अब गिने चुने लोग ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बस अड्डा और ऑटो स्टैंड सब जगह सन्नाटा दिखाई दिया। बाहरी राज्यों के श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं। व्यापारी भी परेशान हैं, जो गाड़ी चलाने वाले ऑटो ड्राइवर हैं या टैक्सी चालक हैं वो भी परेशान हैं। श्रद्धालुओं की लगातार घटती संख्या का असर वहां पर कारोबार करने वाले लोगों पर भी पड़ा है, जिनमें पिट्ठू वाले, पालकी वाले और घोड़े वालों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। परेशानी है, इस टाइम को काम शाम है नहीं, कोई पैसा नहीं है। अभी तो चल रहा मंदा ही चल रहा। यूपी के रामपुर में एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से आग तेजी से भड़की और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। इस दौरान फैक्ट्री से धमाके की आवाजें भी सुनाई दी, जिसके बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आग लगने की जानकारी के बाद वहां दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची और कुछ देर की कोशिश के बाद आग को बुझा दिया गया। ऑक्सीजन के लिए परेशान कोरोना मरीजों के लिए कई धार्मिक स्थलों ने मदद का हाथ बढ़ाया। इस महामारी में मरीजों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा। लेकिन इस मुश्किल वक्त में देश के कई धार्मिक स्थलों ने अपने दरवाजे खोल दिए। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मौजूद दमदमा साहिब गुरुद्वारे ने ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों की मदद के लिए खास इंतजाम किए। वहां शिविर लगाकर ऑक्सीजन के कई सिलेंडर रखे गए, ताकि कोरोना मरीजों के पहुंचने पर उन्हें तुरंत राहत दी जा सके। हालांकि ये सुविधा वहां उन्हीं मरीजों को दी जा रही है जिनकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं है। अगर 75 से ऊपर आपका ऑक्सीजन लेवल है तो यहां पर आकर आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। गुरुद्वारे से जुड़े लोगों ने ये सुविधा उन मरीजों को भी दी जो अपनी गाड़ी से उतर नहीं सकते थे। इस मुहिम की अगुवाई कर रहे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा कोरोना मरीजों को देखकर भावुक भी हो गए। ऐसा तो मंजर हमने कभी जिंदगी में देखा नहीं है। लोगों को सांस लेने के लिए भी सड़कों पे आना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का ये अभियान पटना में भी चलाया गया। रेलवे स्टेशन के पास महावीर मंदिर में लोगों के लिए फ्री में ऑक्सीजन रिफिलिंग की सेवा शुरू की गई। मंदिर प्रशासन ने इसके लिए वहां कई ऑक्सीजन सिलेंडर रखे, ताकि जरूरतमंद लोगों को इसकी कमी न हो। देश के कई और धार्मिक स्थलों ने भी इसी तरह की पहल की। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में हालात जस के तस हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना से 62,919 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 828 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। मुंबई में कल के मुकाबले कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। वहां पिछले 24 घंटे में 3,925 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 89 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 69,710 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। पानी ने मध्य एशिया के पड़ोसी देशों तजिकिस्तान और किर्गिस्तान को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। वैसे तो इन दोनों देशों के बीच छोटे मोटे सीमा विवाद होते रहते हैं, लेकिन इस बार बॉर्डर के पास पानी के एक जलाशय और पंपिंग स्टेशन के लिए दोनों देश ऐसे लड़े कि एक दूसरे पर गोलियां और गोला बारूद बरसा दी। इस फायरिंग में 13 लोगों की मौत भी हो गई और सामने आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो किर्गिस्तान ने ताजिकिस्तान पर कूच करने के लिए अपनी बाजुएं चढ़ा ली। एक वीडियो में किर्गिस्तान के रॉकेट लॉन्चर से लदे ट्रक कतार से ताजिकिस्तान के बॉर्डर की तरफ तेजी से भागते नजर आए। वहीं किर्गिस्तान से आए एक दूसरे वीडियो में उसकी सेना का एक टैंक ताजिकिस्तान पर ताबड़तोड़ गोले दागता दिखा।
उसने इतनी गोलाबारी की कि सामने धुआं ही धुआं छा गया। किर्गिस्तान के कोकताश इलाके की तस्वीरों में तो सब सामान्य दिखा, लेकिन ऑडियो में कान फाड़ देने वाली इतनी भयानक गोलीबारी होती सुनाई दी कि हरियाली से भरा खूबसूरत इलाका दहल उठा। जमीन पर सेना के जवान जंग में भिड़े थे और ऊपर आसपास रहने वाले लोग गोलीबारी से डरकर छत की रेलिंग के पीछे छिपे थे। किर्गिस्तान का दावा तो यहाँ तक है कि ताजिकिस्तान की तरफ से होती फायरिंग की वजह से उसे अपने करीब 11,500 नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा। हालांकि अब दोनों देशों में सीज फायर समझौता हो चुका है। बिहार के औरंगाबाद में नाइट कर्फ्यू तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया। कोरोना संकट की वजह से वहां नाइट कर्फ्यू के दौरान काफी सख्ती की गई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग औरंगाबाद की सड़कों पर घूमते नजर आए। ऐसे लोगों को रोककर पुलिस ने पहले तो उन्हें समझाया और फिर सजा के तौर पर उनसे उठक बैठक लगवाई। नाइट कर्फ्यू में बिना वजह सड़क पर घूम रहे एक ऑटो वाले से भी बीच सड़क पर उठक बैठक लगवाई गई। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने बहुत जरूरी काम की वजह से बाहर होने का हवाला दिया उनकी पूरी पड़ताल की गई। बताया गया कि नाइट कर्फ्यू तोड़ने पर वहां 50 से ज्यादा गाड़ियों का चालान काटा गया और कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। सब कुछ ठीक रहा तो तेलंगाना में ड्रोन से कोरोना के टीके की डिलीवरी हो सकती है। न्यूज़ 18 के संजय तिवारी की रिपोर्ट है कि उड्डयन मंत्रालय और मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था ICMR ने तेलंगाना को ड्रोन से वैक्सीन की डिलीवरी के ट्रायल की शर्तों के साथ हरी झंडी दे दी। हालांकि राज्य को ये मंजूरी एक साल या अगला कोई आदेश आने तक के लिए मिली है, जिसका मकसद न केवल टीके को बिना देरी किए जहां जरूरत हो वहां पहुंचाना है, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक का तालमेल बढ़ाना भी। इसका एक फायदा ये भी होगा कि एक दूसरे के संपर्क में आए बिना ड्रोन से वैक्सीन की डिलीवरी हो जाएगी। यूपी के गोरखपुर में कोरोना महामारी के खात्मे के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप और यज्ञ किया गया। गोरखपुर के पीपीगंज इलाके के एक मंदिर के बाहर कुछ लोगों ने ये आयोजन किया और पूरी दुनिया से कोरोना के खात्मे के लिए सभी ने हवन कुंड में आहुति डाली। इस आयोजन में उस मंदिर के पुजारी समेत इलाके के कुछ लोग भी शामिल रहे। सभी लोगों ने पूरे विधि विधान से हवन किया और भगवान से प्रार्थना की कि वो सबको कोरोना से निजात दिला दे। देश के बाकी कई राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश भी बुरी तरह कोरोना की चपेट में घिरा हुआ है। वहाँ हर दिन हजारों लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं, जिनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ ये यज्ञ किया गया। कोरोना के इलाज का अजीब दावा करने वाले एक याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाना महंगा पड़ गया। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुरेश शॉ नाम के एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की और दावा किया कि उनके पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे वो कोरोना को ठीक कर सकता है। अदालत में खुद अपना पक्ष रख रहा सुरेश शॉ यही नहीं रुके, बल्कि ये दलील देने लगे कि वो भारत नहीं पूरी दुनिया में इसका इलाज करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी बात नहीं मान रही। इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को आदेश देने की गुहार लगाई कि उनकी दवा बनाने की बात मान ली जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि उन्होंने ये दवा किस आधार पर दावा किया है, क्या वो कोई डॉक्टर हैं? तो याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि उसने खुद कोई रिसर्च नहीं की, बल्कि अलग अलग जगहों पर छपे रिसर्च पेपर से जानकारी जुटाकर फॉर्मूला तैयार किया, जिस पर चीफ जस्टिस भड़क गए और फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी वाहियात याचिका दाखिल करने और अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए उन पर 10 लाख का जुर्माना लगेगा। लेकिन उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वो बेरोजगार हैं और उनके बैंक खाते में सिर्फ 1,000 रुपये। तो चीफ जस्टिस ने याचिका खारिज करते हुए उनको 1,000 रुपये जुर्माने के तौर पर जमा कराने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश में लाख कोशिशों के बाद भी कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में राज्य में 34,626 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि इस दौरान 32,494 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 332 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया है। अब यूपी में वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह तक लागू रहेगा। फिल्म बेल बॉटम जल्द रिलीज हो। खबर है कि अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम जल्द ऑनलाइन रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 28 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसे ऑनलाइन रिलीज करने का फैसला लिया गया। रिलीजन वाला कॉलम जो होता है उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में कोई नहीं।
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। हालांकि उन्होंने बताया कि वो घर से काम करते रहेंगे। रूस ने जानवरों को कोरोना की बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन की 17,000 डोज तैयार की। जानवरों को कोरोना से बचाने के लिए बनाया गया ये पहला टीका है। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग 25,000 से 30,000 रुपए में एक इंजेक्शन बेचते थे। 3 व्यक्तियों को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए 3 वायल्स के साथ गिरफ्तार किया गया। कोरोना संकट के इस दौर में सचिन तेंदुलकर ने मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने मिशन ऑक्सीजन नाम की संस्था को 1 करोड़ रुपए दान दिए। ये संस्था अस्पतालों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मुहैया करवाती है। उत्तराखंड में भी कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। चिंता इस बात की है कि राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या के साथ अब मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 122 मरीजों की मौत हो गई, जबकि एक दिन में 5,654 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस दौरान 4,215 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया है। यूरोप के देश चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में राष्ट्रपति मिलोश जेमान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। लोगों ने उन पर 2014 में हुए विस्फोट में रूस के जासूसों की कथित भूमिका के बावजूद उसका समर्थन करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हजारों की तादाद में सड़क पर उतर आए। ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में एक चौड़ी सड़क पर अनगिनत लोग एक साथ खड़े नजर आए। इस दौरान झंडे और प्लेकार्ड पकड़े प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति जेमान के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। प्रेसिडेंट इज एक्टिंग लाइक ही इज इन वॉर विद हिज ओन पीपल। राष्ट्रपति के खिलाफ गुस्सा दिखाने उतरे प्रदर्शनकारियों ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और फेस मास्क पहनकर ही प्रदर्शन में शामिल हुए। बड़ी खबर गुजरात के भरूच से। वहां एक कोविड अस्पताल में आग लगने से 14 मरीजों समेत 16 लोगों की मौत हो गई है। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लग गई। उस समय वार्ड में 58 मरीज भर्ती थे। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस आग में झुलस कर 14 मरीज और 2 नर्सों की मौत हो गई है। वहीं बाकी मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। देश के कई हिस्सों में कोरोना की वजह से लागू कर्फ्यू को तोड़ने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इस महामारी पर लगाम लगाने के लिए कई प्रदेशों में लॉकडाउन लगाया गया ताकि लोग घरों से बाहर न निकलें। लेकिन इसके बावजूद कई लोग बिना जरूरी काम के सड़कों पर घूमते पकड़े गए। मध्य प्रदेश के देवास से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में गश्त पर निकली पुलिस ने ऐसे ही कुछ लोगों पर सख्ती बरती। कुछ लोगों से कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई तो कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लॉकडाउन के आदेश का पालन कराया जा रहा है और सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बिहार के नवादा से भी सामने आई। वहां नाइट कर्फ्यू के दौरान कई लोग बिना वजह घरों से बाहर घूमते पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इसके बाद उन लोगों को उठक बैठक करने की सजा दी गई। यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब एक कार सामने से आ रही बस से टकरा गई। हादसा इतना जोरदार था कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। एक्सीडेंट हुआ है। किस किस से हुआ? बस से और इको से। तो ये लोग कहाँ से आ रहे थे? ये संभल से। तो संभल क्यों गए थे? ये गंभीर मौत हो गई थी। कितने लोग थे इस गाड़ी में? 7 लोग थे। तो 7 लोगों क्या कंडीशन है? 6 एक्सपायर हो चुके हैं, एक अभी सांसें चल रही हैं। एग्जिट पोल के अनुमान पर सियासी दावों का दौर शुरू हो गया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के अनुमानों पर सियासी घमासान मच गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए केरल में सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वहीं बीजेपी ने 5 राज्यों के एग्जिट पोल के अनुमानों को अपने हक में बताया। हमारा ताकत बढ़ गया है। 2 तारीख को हर जगह में कमल खिलाएंगे। महाराष्ट्र में अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई गई।
जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ऑक्सीजन के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। तय हुआ है कि ऑक्सीजन के हद तक हम स्वयं निर्भर होना चाहिए। बिहार सरकार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का पटना में कोरोना से निधन हो गया। उनके निधन पर सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दुख जताया। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, मत्था टेकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं। और सीधी तस्वीरें, बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी को इस वक्त आप देख पा रहे हैं और पूरी तरह से यहां पर प्रधानमंत्री मोदी कोरोना नियमों का पालन करते हुए, आसपास के लोग मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। और दिल्ली का ये शीशगंज गुरुद्वारा है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मत्था टेकने के लिए पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी। ये देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे साहिब पहुंचे और जहां पर उन्होंने मत्था टेका। विक्रांत इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, और क्या जानकारी? गुरु तेग बहादुर की 400वीं जन्म शती है, जिसको सरकार भी बड़े पैमाने पर कई कार्यक्रम करवा रही है। और इस समय देश में कोरोना का जिस कदर कहर फैला हुआ है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, गुरुद्वारे में मत्था टेका, अपना शीश नवाया और प्रार्थना भी की कि जिस तरीके का एक कष्ट चल रहा है उससे दूर किया जाए, दूर हो। और वहां जो लोग मौजूद थे, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और बाकी लोग श्रद्धालु, उनसे बातचीत भी वहां पर की। ये जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री बिना किसी सुरक्षा और इंतजामों के गए थे, क्योंकि गुरुद्वारे में आज गुरु तेग बहादुर की जन्म शताब्दी के कारण काफी भीड़ भी होती है, तो लोगों को किसी तरीके की असुविधा ना हो, परेशानी ना हो, इसका भी खास ध्यान प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से रखा गया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री वहां पर कुछ देर गुजारने के बाद वहां से निकल गए थे और वहां के जो लोग थे उनसे मुलाकात भी की, उनसे बातचीत भी की और गुरुद्वारे में अपना मत्था टेक करके प्रार्थना करने के बाद, कुछ देर वहां रुकने के बाद प्रधानमंत्री वहां से निकल गए। बिल्कुल विक्रांत, और तस्वीरें हम आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे और मत्था टेका। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक साधारण नागरिक की तरह प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नजर आए। ये बिल्कुल, क्योंकि गुरुद्वारे पहले भी इस तरीके के मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री गुरुद्वारे मस्जिद मंदिर गए हैं और उन्होंने वहां पर अपना मत्था टेका है। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री गए, क्योंकि 400वीं जन्म शताब्दी का कार्यक्रम चल रहे हैं और गुरुद्वारे में थोड़ी भीड़ भी हो सकती थी और श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे, तो उनको किसी तरीके का कष्ट ना हो, उनको परेशानी ना हो, पीएम का जो कैवलकेड होता है उसका लगाया जाता है तो आम लोगों के लिए रास्ता बंद हो जाता है, तो उन सब चीजों से बचने के लिए, लोगों को कोई परेशानी ना हो, उसका खास ध्यान रखा गया। और प्रधानमंत्री इसी कारण बिना किसी जानकारी के वहां पर पहुंचे थे, अपना शीश नवाया। वो गुरुद्वारे जब पहुंचे तो काफी लोग जो वहां पर मौजूद थे वो देखकर एकदम अचंभित भी हो गए, क्योंकि अचानक से प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंच गए थे, किसी को जानकारी नहीं थी इस बारे की। और जब गुरुद्वारे के लोगों से उसके बाद उन्होंने वहां पर मुलाकात की और उसके बाद वहां पर शीश नवाने के बाद कुछ देर वहां रुकने के बाद वहां से निकल गए। बहुत ही महत्वपूर्ण भी इसलिए है क्योंकि इस समय कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक मोड़ पर चल रही है और सभी लोग अपनी सरकार की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं, सरकार जो कदम जरूरी है वो उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ईश्वर से भी प्रार्थना तमाम लोग कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने भी कि देश से कष्ट जल्दी दूर हो और कुछ देर वहां रुकने के बाद प्रधानमंत्री वहां से निकल गए थे। जी विक्रांत, तस्वीर आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे पहुंचे और वहां पर उन्होंने मत्था टेका। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अचानक गुरुद्वारे पहुंचे और वहां पर मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे पहुंचे और वहां पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो लोग अचंभित हो गए उन्हें देखकर और बिना सुरक्षा घेरे के प्रधानमंत्री मोदी गुरुद्वारे पहुंचे जहां पर उन्होंने मत्था टेका। लगातार देश में कोरोना का कहर जारी है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी गुरुद्वारे पहुंचे और पूरे देश के लिए उन्होंने प्रार्थना की।
आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 17,411 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि कोरोना की वजह से 96 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। राज्य में कोरोना की रोकथाम के लिए ममता बनर्जी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक मॉल, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही राज्य में फिलहाल सामाजिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। बाजार दिन में 2 बार सुबह 7 से 10 बजे तक और दोपहर में 3 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इसके साथ ही ममता सरकार ने 11वीं के छात्रों को बिना परीक्षा पास करने का फैसला किया है। ब्रिटेन के परिवहन मंत्रालय ने सेल्फ ड्राइविंग कारों को धीमी रफ्तार से सड़क पर चलाने की इजाजत दे दी। इसी के साथ ब्रिटेन अपने आप चलने वाली कारों को सड़कों पर उतरने की कानूनी इजाजत देने वाला पहला देश बन गया, जिसके लिए ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड शहर में ऐसी ही एक सेल्फ ड्राइविंग कार का परीक्षण हुआ, जिसमें कार चला रहे एक शख्स ने अचानक स्टीयरिंग व्हील से अपने हाथ हटा लिए, लेकिन कार बिना डगमगाए सड़क पर आगे बढ़ती रही। इतना ही नहीं, इसके बाद ये आदमी कार में लगी एक स्क्रीन पर कुछ करता नजर आया। ताज्जुब की बात ये कि इस दौरान उसकी निगाहें सड़क पर थी नहीं, लेकिन फिर भी कार बिना किसी परेशानी के चलती रही। ऐसा इसलिए क्योंकि कैमरे और सेंसर से लैस ये कार ALKS यानी ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम्स की तकनीक का इस्तेमाल करेगी, जिसकी वजह से ये कार खुद ब खुद सड़क पर दूसरी गाड़ियों से एक सुरक्षित दूरी बनाकर चलेगी, जिसमें ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटाकर सफर कर सकता है। हालांकि उसे कार को वापस अपने कंट्रोल में लेने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि ये सड़क पर ईंट पत्थर जैसी चीजों से बचने में सक्षम नहीं है। ये कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,605 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 173 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 10,180 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। राज्य में अब तक कोरोना की वजह से 7,183 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज अहमदाबाद में मिले। अहमदाबाद में 5,439 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हो गई। वहीं सूरत में 2,011 नए मरीज सामने आए हैं और 23 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच लोग दवाओं की किल्लत और कालाबाजारी से भी बुरी तरह परेशान। न्यूज 18 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन में भी कालाबाजारी का यह खेल सामने आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद कालाबाजारी का खेल खुलेआम जारी है। दिल्ली में दवाओं के सबसे बड़े बाजार भागीरथ पैलेस में भी कुछ यही हालात दिखे। वहां कोरोना की दवाओं के लिए जबरदस्त मारामारी दिखी। सबसे ज्यादा भीड़ तो ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले फ्लो मीटर के लिए नजर आई। आजकल लोगों में कमी आ रही है ऑक्सीजन के, लोग घरों में भी इंतजाम कर रहे हैं, तो फ्लो मीटर खरीदने के लिए किस कदर लाइन लगी हुई है आप देख सकते हैं। एक आदमी ने बताया कि 500 से 600 रुपए कीमत वाला फ्लो मीटर खुलेआम 10 से 15 गुना महंगा बेचा जा रहा है। 500-600 रुपए कीमत है, वो 5,000 का ब्लैक करके खुद दुकानदार कस्टमर को दे रहा है। यही नहीं, वहाँ दवाओं के लिए भी यही हाल दिखा। पूछे जाने पर दुकानदारों ने पीछे से सप्लाई न आने की दलील दी। पीछे से स्टॉक आ नहीं रहा है, इस चक्कर में बहुत ज्यादा दुविधा में, लोग भी दुविधा में। एम्स के बाहर भी यही हाल दिखा। वहाँ कुछ लोग फ्लो मीटर की तलाश करते दिखे। पता चला कि कई जगहों पर भटकने के बाद भी उन्हें फ्लो मीटर नहीं मिला। पैसा मना कर देते हैं, नहीं है, नहीं है, नहीं। नया खरीदो, अलग से ब्लैक से खरीदो, 10,000-12,000 का, बताइए कहाँ तक क्या करें, बड़ा परेशान है। ऐसे में ब्लैक मार्केट से कई गुना ज्यादा पैसा खर्च कर दवाएं खरीदना लोगों की मजबूरी बन चुका है। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 17,155 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान कोरोना की वजह से 155 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 1,76,485 है। राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज जयपुर में मिले, जिनकी संख्या 3,606 है, जबकि जयपुर में कोरोना ने 40 लोगों की जान ले ली। वहीं जोधपुर में 2,339 कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि 38 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल पहुंचाने में मदद की। दिल्ली पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बुराड़ी इलाके के सरकारी अस्पताल तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचवाए। लुधियाना पुलिस ने अपील की कि लोग दूसरे शहरों से अपने दोस्तों रिश्तेदारों को कोरोना का इलाज करवाने के लिए न बुलाएं। पुलिस ने दलील दी कि लुधियाना के अस्पतालों में बेड पहले से ही भरे हुए हैं, ऐसे में दूसरे शहरों से आए मरीजों की वजह से हालात बिगड़ सकते हैं। सूरत की अदालत ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोपी 2 डॉक्टरों को जमानत दे दी। कोर्ट ने दोनों को 15 दिनों तक कोविड वार्ड में ड्यूटी करने की शर्त पर यह जमानत दी। इसके बाद दोनों आरोपी डॉक्टरों को वहां के एक सरकारी अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए भेज दिया गया।
भोपाल में एक आदमी ने लोगों की मदद के लिए अपने ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर लगवा लिया। बताया गया कि वो इस ऑटो में कोरोना मरीजों को मुफ्त में अस्पताल लेकर जाता है। एम्बुलेंस नहीं मिलती है तो मुझे फोन लगाइए, भोपाल के अंदर मैं आपके लिए, खदमत के लिए, आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड के कोटद्वार से नकली रेमडेसिविर बनाने वाले एक गिरोह को पकड़ने का दावा किया। जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस की टीम ने कोटद्वार की उस फैक्ट्री में छापेमारी भी की। नकली लाइफ सेविंग ड्रग रेमडेसिविर बनाते थे, उनको अरेस्ट किया है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली पुलिस के इस दावे को नकार दिया। यहाँ अभी तक कोई ना हमारी बरामदगी किसी तरह की हुई है और ना ही किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट, लेबलिंग वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देशभर में आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण में 18 से 44 साल के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे और अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से कई राज्यों में 18 से 44 साल के लोगों को इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ राज्यों ने वैक्सीन ना मिलने की बात कहकर हाथ खड़े कर दिए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ ही जिलों में टीकाकरण होगा। योगी सरकार ने इस चरण में सिर्फ उन्हीं शहरों में वैक्सीनेशन का फैसला लिया है जहां 9000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। इनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। तो वहीं गुजरात के 10 जिलों में ही 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इनमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, कच्छ, भरूच, गांधीनगर और महसाणा में वैक्सीनेशन होगा, जबकि छत्तीसगढ़ में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आज से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर हम बात करें राजस्थान की तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। कुछ राज्यों में 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान आज से शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि देश के कुछ अस्पताल आज से वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं, जिनमें अपोलो अस्पताल ग्रुप भी शामिल है। अपोलो अस्पताल ग्रुप ने एक बयान दिया और कहा कि देश में कोरोना के खतरे को कम करने के लिए अपोलो अस्पताल ने सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीदने की पहल की है और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही वैक्सीन की कीमत तय होगी। अपोलो अस्पताल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कोरोना की दूसरी लहर ने कम उम्र के लोगों को भी प्रभावित किया है। ऐसे में 18 साल की उम्र से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन लगातार बढ़ रहे मामलों को रोकने में मदद करेगा। इस बीच कई राज्यों ने वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू करने से इनकार कर दिया है और इसके लिए इन राज्यों ने वैक्सीन ना मिलने की दलील दी है। दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में आज से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाएगी, क्योंकि इन राज्यों ने वैक्सीन नहीं मिलने की बात कहकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए लोगों से अपील की है कि 18 साल से ऊपर के लोग वैक्सीनेशन की लाइन में ना लगें। उन्होंने कहा कि वैक्सीन मिलते ही तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। वहीं गोवा के सीएम ने भी वैक्सीन ना मिलने की बात कहकर आज का टीकाकरण अभियान शुरू करने से इनकार कर दिया। अबाउ 45 एज के लिए जो वैक्सीनेशन कैंप हमारे पीएचसी लेवल पे स्टार्ट है, वहाँ पे वैक्सीनेशन सभी लोगों ने लेना चाहिए। फ्रॉम 18 to 45 इन लोगों के लिए, इन यूथ के लिए अभी वैक्सीनेशन आया नहीं है। जैसे ही वैक्सीनेशन हमारे पास आएगा हम उनका अनाउंसमेंट करेंगे, बाद में उन्हें रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करें। पूरी तैयारियां हैं, जैसे ही वैक्सीन आ जाती है हम काम शुरू कर देंगे। ये जो मरीज बढ़ रहे हैं इनमें 70% से ज़्यादा मरीज दिल्ली या आसपास के राज्यों के हैं। हमने एक टेंटेटिव सर्वे भी करवाया है, परंतु कोई भी आ जाएगा, हम तो हैं तो हिंदुस्तान के ना, हम तो सबको इलाज कर रहे हैं और अपनी व्यवस्थाएं और बढ़ा रहे हैं।
लगातार कोरोना के महासंकट से जूझ रहे एमपी में वैक्सीन की किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी। इस बात की जानकारी खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी और बताया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बुकिंग पहले से कर ली गई थी, लेकिन वैक्सीन की डोज उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से राज्य तक वैक्सीन नहीं पहुंची है, लिहाजा आज से अभियान शुरू नहीं हो सकेगा। हालांकि उन्होंने वैक्सीन लगाने के अभियान को जारी रखने और सभी को निःशुल्क वैक्सीन लगवाने का भरोसा जताया। हम जानते हैं कि उत्पादन की भी एक सीमा है, जैसे जैसे उत्पादन होगा और हमें वैक्सीन के डोजेज मिलेंगे, वैसे वैसे हम 18 साल से ऊपर के जो हमारे नौजवान हैं उनको निःशुल्क वैक्सीन लगाने का अभियान चलाएंगे। कोरोना संकट के बीच देश में ऑक्सीजन की भारी कमी है, जिसे दूर करने के लिए मुंबई में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन बनाने की शुरुआत कर दी। फिलहाल विदेशों से ऐसी मशीनें मंगवाई जाती हैं, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत अब इसे मुंबई में बनाने का काम शुरू कर दिया गया। ये मशीन हवा से कैसे शुद्ध ऑक्सीजन बनाती है, इसका डेमो भी दिया गया। बताया गया कि इससे बहुत ही कम वक्त में हवा से ऑक्सीजन बना दी जाती है। दावा है कि लोग इसे आसानी से अपने घरों में रखकर ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। 95-96% तक हमें प्योर ऑक्सीजन मिल सकता है, एंड दिस इज अ लाइफ सेवर टू एनी कोरोना वायरस पेशेंट। ऑक्सीजन की भारी मांग को देखते हुए इस मशीन को जल्द ही बाजार में उतारने की तैयारी है। झारखंड के पलामू में कोरोना नियमों का पालन करवाने पहुंची पुलिस को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। पुलिस वहां बाजार में रेड़ी लगाकर सामान बेचने वालों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, लेकिन लोगों ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। लोगों के गुस्से के आगे पुलिस को वहां से उल्टे पांव लौटना पड़ा। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर हमले की कोशिश भी की, लेकिन बाकी लोगों ने उन्हें रोक दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की और उनका सामान उठाकर फेंक दिया। सब घुस के मारा पुलिस ने, बताइए देखिए यहाँ। बीच बाजार में बहुत देर तक हंगामा चलता रहा और फिर भीड़ के गुस्से को देखते हुए पुलिस को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी। लाठी चार्ज करने के लिए प्रशासन बोला जा रहा है, अब कह रहा है कि दुकानदार को मारो एकदम दौड़ा दौड़ा के। बताया गया कि हालात सामान्य होने पर प्रशासन ने इलाके की सभी दुकानों को बंद करवा दिया। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, तो वहीं इसकी आड़ में चीन हथियार बनाने में जुटा है, जिसमें पाकिस्तान भी बढ़ चढ़कर साथ दे रहा है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन ने ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम और रडार तैयार कर लिए हैं जो किसी भी हवाई हमले की स्थिति में फौरन पलटवार कर सकता है, जिसकी झलक उसने हाल ही में वर्ल्ड रडार एक्सपो में दिखाई, जहां उसने भारी भरकम रडार दिखाकर दुनिया को चौंका दिया। इनमें एक है YLC-80 रडार, जिसमें ऐसे उपकरण लगे हैं जो दुनिया के सबसे शातिर माने जाने वाले स्टेल्थ विमानों का भी पता लगा सकता है। जबकि KLJ-7 नाम के रडार की खासियत है कि वो न केवल किसी भी मौसम में काम कर सकता है, बल्कि दोस्त या दुश्मन की पहचान करने में भी माहिर है, और वो मिसाइल, रॉकेट और मध्यम और लंबी दूरी तक मार करने वाले गाइडेड हथियारों का भी आसानी से पता लगा लेता है। कोरोना संकट के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संदेश भेजा। इस संदेश में उन्होंने कोरोना संकट पर अपनी संवेदना जताई, साथ ही कोरोना की इस दूसरी लहर से निपटने के लिए मदद की पेशकश भी की। शी जिनपिंग ने अपने संदेश में कहा कि इस महामारी में चीन भारत के साथ है और उसे समर्थन और मदद करने के लिए तैयार है। चीन के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री को फोन कर अपनी सहानुभूति भी जताई। इस बातचीत में दोनों विदेश मंत्रियों के बीच सप्लाई चेन और विमान सेवा जारी रखने पर चर्चा हुई। अमेरिका के लॉस एंजलिस से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पहाड़ियों में लगी आग ने 650 एकड़ के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद प्रशासन ने आसपास का एरिया खाली करने का आदेश दे दिया। क्योंकि पहाड़ियों पर मौजूद झाड़ियों में लगी आग तेजी से फैलते हुए रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ने लगी, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आग पर काबू पाने के लिए मोटे मोटे पाइप से पानी की बौछार की गई, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि आग के साथ उठते धुएं से उन्हें सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि कई घंटे जूझने के बाद आखिरकार दमकल की टीम आग बुझाने में कामयाब रही, जिसके बाद प्रशासन ने इलाका खाली करने का आदेश वापस ले लिया।
दिल्ली में कोरोना की वजह से दिन ब दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों को अस्पतालों में बेड और दवाई और ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ रहा है। वहीं 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में रिकॉर्ड मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 27,047 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि कोरोना की वजह से 375 लोगों ने दम तोड़ दिया। हालांकि इस दौरान 25,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। राजधानी में अब एक्टिव केस करीब 1,00,000 हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पंजाब के पटियाला में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास का घेराव करने पहुंचे किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। ये किसान पिछले काफी वक्त से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के घेराव की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में मौजूद पुलिस वालों ने इन किसानों को रोक लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से बहसबाजी शुरू हो गई। किसानों को समझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वो अपने ट्रैक्टर के साथ आगे बढ़ने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान कुछ पुलिस वाले एक ट्रैक्टर के सामने आ गए। वो अपने हाथों से उस ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन इससे भड़के ड्राइवर ने ट्रैक्टर को आगे बढ़ा दिया। ट्रैक्टर को बढ़ता देख पुलिस वाले पीछे हट गए और किसी तरह अपनी जान बचाई। इस हरकत से गुस्साए पुलिस वालों ने किसानों पर लाठियां भी चलाई, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ और वो पुलिस को चकमा देते हुए अपने ट्रैक्टरों के साथ आगे बढ़ गए। हरियाणा के सोनीपत में एक दूल्हे को बिना मास्क पहने घोड़ी पर चढ़ना महंगा पड़ गया। बगैर मास्क पहने दूल्हे की बारात की खबर जैसे ही पुलिस को मिली तो वहां पुलिस के कुछ अधिकारी भी पहुंच गए और उन्होंने बारात को रुकवा दिया। इस दौरान दूल्हा तो घोड़ी पर ही बैठा रहा, लेकिन उसके पिता को बुलाकर पुलिस ने मास्क न पहनने पर दूल्हे का चालान काट दिया। चालान काटने के बाद पुलिस के अधिकारियों ने बाकी लोगों से भी नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान दूल्हे के पिता को भी पुलिस ने हिदायत दी। जब तक चालान काटने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तब तक बारात वहीं पर रुकी रही। बाद में पुलिस ने सभी लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश देते हुए बारात को वहां से जाने दिया।